कितनी बार? तुम्हारी माँ और बाबा से ने तुम्हें समझाया था कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, और तुम्हारे उस नौकर शिवा ने भी तुम्हें मेरे खिलाफ सबूत दिखाया था। रिमेम्बर, मैं अच्छे से जानू कि वो छोरा आपके लायक ना है, और जब हमारी बात पे विश्वास ना हो तो सबूत दे दो। कभी कभी ना बड़ों की बात ना मानने का नतीजा बहुत बुरा होता है। एंड यू नो व्हाट, तेरी जैसी 56 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है, और अब तुम इस खाली सड़क पे रोते रोते अपनी मौत के लिए किसी गाड़ी का इंतजार कर, कल सुबह तक तेरी लाश तेरे घर पे होगी, और तब तक मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। एंड थैंक यू सो मच बेबी, मेरे लिए अपना घर लूटने के लिए। मेरे फादर का बिजनेस है, ठीक उसी तरह तुम्हारे व्यवसाय में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। उस दौलत पे हाथ मारो और उस तिजोरी को खाली करो। सैंडी अगर अच्छा छोरा होता ना तो मैं तेरी शादी खुद उससे करवाती। अरे सर की कसम बेटा, हम नहीं चाहते कि तू किसी दुख या तकलीफ से गुजरे। आपके जैसे कई सारी छोरियों ने अपने प्यार के छुट्टे जाल में फंसा रखा है, और उनसे पीसे और गहने ऐंठता रहता है, और जब पीसे खत्म हो जाते हैं ना तो यूं ही उनको बीच रास्ते छोड़ के चला जाता है। अब आप खुद ही फैसला कर लो कि क्या ये छोरा इस लायक है कि आप इसके लिए अपनी जान देते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि ऐसे लड़कों के लिए ना अपने दिल को इतनी ठेस ना पहुंचाओ। मलिक साहब जी, वो लोग बस से शहर छोड़ने की सोच रहे हैं, हम अभी के अभी बस अड्डे पहुंच रहे हैं। जैसे ही छोरी हाथ लगे खींच के मंडप पे ले आना उसे। जी शिवा, याद है ना तन्ने, तूने हमारे से वादा किया है कणक हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, हमारी इज्जत का सवाल है। जी छोटी महिम साहब, आप ठीक हैं? मैं पहले उसके मेड़े सैंडी की चाल समझ गया था। तलाशी लेने उसके कमरे में गया था मैं, तब मैंने क्या देखा कि उसने दिल्ली भागने के लिए सिर्फ एक ही टिकट निकलवाई है, जिसके बाद मैं समझ गया कि वो आपने बहुत बड़ा वाला धोखा देने वाला है।
माँ बाबा साहब की बात न मानी, खुद भी इतना बड़ा धोखा खाया, उन्हें भी चोट दी। गलती तो किया आपने, पर कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने बचा लिया आपने आज।